हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वह मूल्य शिक्षा से संबंधित है। मूल्यों के अर्थ, परिभाषा तथा इसकी प्रकृति से संबंधित जो तथ्य हैं उनके परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे तथा फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज किस तरह से होता है यह भी देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर ऑन टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये भी कहूँगी कि यदि आप किसी भी टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया अपने टॉपिक का उल्लेख कमेंट्स बॉक्स में अवश्य करें, उसका उत्तर आपको यथासंभव यथासमय अवश्य प्रेषित किया जाएगा। मूल्यों के अर्थ एवं परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में यदि चर्चा करें तो सहज स्पष्ट होगा कि वैल्यू शब्द को अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है जिसका अभिप्राय मूल्य से संबंधित होता है। लैटिन भाषा वैलेर यानी VALERE से निर्मित है और इसका अभिप्राय योग्यता या महत्व है। संस्कृत में मूल्य शब्द के लिए इष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अभिप्राय वांछित है। अतः मूल्य एक प्रकार का इच्छाओं की पूर्ति का साधन माना गया है। यानी पार्क ने कहा है कि वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित हैं। थिंग्स आर वैल्यूएबल बिकॉज दे आर डिज़ायर्ड। मूल्य शब्द का प्रयोग विभिन्न अनुशासनों में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार किसी भी समाज के मूल्य उसके मान्य आदर्श, विश्वास, व्यवहारिक प्रतिमान इत्यादि होते हैं। इनके लिए व्यक्ति समाज द्वारा प्रशंसित या निंदित होता है। इनका पालन करने की स्वीकृति समाज के माध्यम से ही मिलती है तथा इनका विरोध करने पर सामाजिक निंदा प्राप्त होती है। समाजशास्त्रियों ने ऐसा भी माना है कि मनोवैज्ञानिक मूल्यों के को मानव की रुचियों, अभिवृत्तियों एवं स्वीकृति के रूप में स्वीकार किया जाता है। मनुष्य जिस मानदंड को पसंद करता है उसी पर उसका व्यवहार संकेंद्रित होता है और यही मापदंड उसके जीवन के मूल्य बन जाते हैं। मूल्यों के साथ दर्शन शास्त्र का भी संबंध है, या ये कहें कि ये बहुत अधिक पुराना संबंध है। दार्शनिक जीवन के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण को निर्माण करने का नाम ही वास्तव में मूल्य है। जब मानव का दृष्टिकोण जीवन में सांसारिक सुख की प्राप्ति होता है तब उसके जीवन के अलग मूल्य होते हैं, और जब उसके जीवन का उद्देश्य यानी मानवीय जीवन का उद्देश्य जब मोक्ष प्राप्ति या सेल्फ रियलाइजेशन होता है तब उसके जीवन के जो मूल्य हैं वे अलग होते हैं। अतः जो दर्शन है वह मूल्यों की परिभाषा व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुसार करता है। मानव शास्त्री मूल्यों और संस्कृति के मध्य समकक्षता मानते हैं या उन्हें समकक्ष मानते हैं। संस्कृति की विशेषताएं व्यक्ति के लिए मूल्य होती हैं जिनके अनुसार व्यक्तियों का व्यवहार नियंत्रित या निर्देशित होता है। अतः दार्शनिकों के अनुसार, समाजशास्त्रियों के अनुसार, मानव शास्त्रियों के अनुसार या नीति शास्त्रियों के अनुसार मूल्यों की परिभाषा अलग अलग होती है और उसके व्यवहारिक मानदंड तथा उनका सब्जेक्ट मैटर और उनसे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के प्रतिमान हैं वे प्रायः पृथक होते हैं। यदि मानव शास्त्रियों के अनुसार चर्चा करें या टॉपिक पर पुनः लौटें तो भारतीय संस्कृति कर्तव्य पर आधारित है। अतः भारतीय संस्कृति में कर्तव्य को यानी ड्यूटीज़ को मुख्य माना गया है और जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। इन्हें मूल्य का नाम दिया गया है कि परफॉर्म योर ड्यूटी, फुलफिल योर ड्यूटीज़, डू योर ड्यूटीज़, बड़ों का आदर करना, विद्वानों का सम्मान करना, सहनशीलता, अतिथि सेवा करना इत्यादि भारतीय संस्कृति की विभिन्न विशेषताएं हैं जो मूल्यों के रूप में स्वीकृत की गई हैं। नीति शास्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो नीति शास्त्रियों के अनुसार नैतिक नियमों का पालन करना ही वास्तव में मूल्य है। प्रत्येक धर्म अपने कुछ नैतिक नियमों के आधार पर आचार संहिता का निर्माण करता है और इसके अतिरिक्त नैतिक नियम व्यक्ति के जीवन के मापदंड बन जाते हैं। अतः जो मूल्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं या जो तथ्य या बातें व्यक्ति के जीवन में समाविष्ट होती हैं तथा उसके जीवन के निर्माण में सहायक होती हैं कहीं ना कहीं वे मूल्य बन जाते हैं। जैन धर्म में अहिंसा एक नैतिक मापदंड है जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित किया जाता है। अतः अहिंसा जैन धर्म के लिए एक मूल्य है जिसकी प्राप्ति के लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। इन सभी विभिन्न प्रकार के अर्थों का एक समग्र अर्थ यदि हम विश्लेषित करें तो सहज जो तथ्य सामने आएंगे वो ये हैं कि मूल्य वे निश्चित मापदंड हैं जिनकी प्राप्ति वांछनीय है। समाज के अनेक आदर्शों, विश्वासों, व्यवहारिक प्रतिमानों और अभिरुचि के अनुसार व्यक्ति जिन चीज़ों को वास्तव में समन्वय करते हैं या जिनको स्थान देते हैं वे ही संस्कृति की विशेषताएँ बनकर
व्यक्ति के जीवन में तथा समाज के जीवन में मूल्य का स्थान ग्रहण कर लेती हैं। अतः मूल्य के परिप्रेक्ष्य में यदि सार्थक शब्दों में कहें तो मूल्य मानक रूपी मानदंड हैं जिनके आधार पर मनुष्य को अपने उपस्थित क्रिया विकल्पों के चयन में सहायता मिलती है। मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत उन इच्छाओं और लक्ष्यों को परिभाषित करते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा अभ्यास का विषय बना दिया जाता है और जो आत्मनिष्ठ अधिमान तथा आकांक्षाओं का रूप धारण कर लेते हैं, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व में घुल मिल जाते हैं। मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। मूल्य वे हैं जो वांछनीय हैं या इच्छित हैं। मूल्य पूर्णतः मस्तिष्क के आंतरिक संसार से संबंधित होते हैं, या ये कहें कि मस्तिष्क की सोच का विषय बन जाते हैं। इच्छाओं की संतुष्टि वास्तव में मूल्यों से संबंधित होती है, जो वस्तु सिर्फ एक साधन है। मूल्य हमेशा अनुभव का विषय भी होते हैं। मूल्य के निर्माण के संदर्भ में चर्चा करें या फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो मूल्यों के निर्धारण में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत आवश्यक हैं, जैसे आदर्शवादी पूर्णता का सिद्धांत यानी परफेक्शन डॉक्ट्रिन ऑफ आइडियलिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम के जो आध्यात्मिक मूल्य हैं या जो यूनिवर्सल ट्रुथ से संबंधित जो मूल्य हैं, इनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय लगाता है। अतः आदर्शवादी पूर्णता के सिद्धांत से मूल्य प्रभावित होते हैं और मूल्यों का निर्माण इनके माध्यम से संभव होता है। उसी तरह से प्रकृतिवादी सुखवाद का सिद्धांत हेडोनिज्म डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरलिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य सुख प्राप्त करने वाली वस्तु को ही मूल्यवान मानता है और सुख मूल्यों का निर्धारण करने का मापदंड है। इसमें चार्वाक दर्शन को भी लिया जा सकता है, जिसमें कहा है कि यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा धृतम पीवित भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः है। अतः जब तक जिए सुख से जिए और सुखपूर्वक जीने के लिए कुछ भी करना पड़े आप उसे अवश्य करें, ऐसा चार्वाक दर्शन में माना गया है, जो काफ़ी कुछ प्रकृतिवादी दर्शन के भी निकट है। प्रयोजनवादी उपयोगिता का सिद्धांत यूटिलिटी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार जो स्थिति वस्तु परिप्रेक्ष्य व्यक्ति यदि आपके लिए उपयोगी है मूल्यवान है तो ही वह सिद्धांत का रूप ग्रहण करेगा और मूल्यों का जो निर्धारण है वह उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, या ये कहें कि जो प्रयोजनवादी मूल्य हैं वो उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। उसी तरह से प्रयोगवादी सिद्धांत है जिसमें एक्सपेरिमेंटलिज्म डॉक्ट्रिन से संबंधित चीज़ें कही गई हैं। इसके अनुसार जिन मूल्यों का प्रयोग वर्तमान एवं भविष्य दोनों में ही किया जाता है वे वास्तव में मूल्य कहलाए जाने योग्य हैं। इसके अंतर्गत विद्वानों ने ऐसा माना है कि धार्मिक मूल्यों को रखा जा सकता है। उसी तरह से अस्तित्ववादी सांवेगिक सिद्धांत है यानी इमोटिव डॉक्ट्रिन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं करता है तथा समाज अपनी सांवेगिक दिशाओं के आधार पर निर्धारित करता है, यानी मनुष्य अपने मूल्यों के निर्माण के लिए एक तरह से स्वतंत्र है। नीति शास्त्र के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में यदि चर्चा करें नॉर्मेटिव एथिक्स डॉक्ट्रिन, नीति शास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति वास्तव में इसी तरह से सार्वभौमिकता का सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। इसके अनुसार दूसरों के साथ वैसा व्यवहार किया जाना चाहिए जो आपको अपने प्रति अच्छा लगता है, यानी हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें अपने प्रति अनुपयुक्त लगता है, जिसे हमारे भारतीय दर्शन में आत्मानि प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत ऐसा कहा गया है। कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ यह व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि वह जैसा आचरण करता है उसे हम अपने आचरण का पैमाना मान लेते हैं, या ये कहें कि निश्चित मानदंड निर्धारित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का सत्याग्रह या अहिंसा का सिद्धांत जो उन्होंने भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर ग्रहण किया था और सार्वभौमिक रूप में या यूनिवर्सल रूप में इसको स्वीकार किया गया है। उसी तरह से अहम केंद्रित सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एथिकल ईगोइज्म ये भी मूल्यों के निर्माण में सहायक है और इसके अनुसार मनुष्य अपने सभी कार्य आत्मसंतुष्टि के लिए करता है, अतः मूल्य वही है जो आत्मसंतुष्टि के लायक हो। इसी तरह से उपादेयता का सिद्धांत भी मूल्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटेरिज्म।
इस सिद्धांत के अनुसार हमारे कार्य बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय यानी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय से संबंधित होने चाहिए। अतः मूल्य वही हैं जो वास्तव में लोक कल्याणकारी हों। अतः मूल्यों के निर्माण में अलग अलग सिद्धांत हैं और वे अलग अलग भूमिका निभाते हैं। ये व्यक्ति के स्वयं के विवेक पर और उसके जीवन अनुभव पर निर्भर करता है कि व्यक्ति और समाज किस तरह के मूल्यों को अपने जीवन में स्थान देता है। लेकिन प्रायः अच्छे मूल्य जीवन में अच्छा प्रदान करने में सहायक होते हैं, या ये कहें कि अच्छे का जो परिणाम है वह हमेशा अच्छा एवं शुभ ही होता है।